कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हम सुनते और देखते हैं जिन्हें देखकर हमारा किस्मत पर विश्वास और ज्यादा गहरा हो जाता है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, 1979 में जब एक औरत ने न्यूयॉर्क की द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86 फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, बट उसकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवा के बहाव की वजह से वो नीचे गिरने की बजाय 85th फ्लोर पर जा गिरी। नंबर 2 पर आते हैं जेसन एंड जेनी लॉरेंस, जो कि एक इंग्लैंड के रहने वाला कपल है, और जब 2001 में ये दोनों हॉलीडे के लिए न्यूयॉर्क गए और वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक हुआ, बट खुशकिस्मती से ये दोनों बच गए। उसके बाद 7 जुलाई 2005 को ये एक दूसरे हॉलीडे के लिए लंदन गए और वहाँ पर ब्रिटिश सुसाइड बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड बस नेटवर्क पर हमला कर दिया। तब भी ये दोनों वहीं पर थे, बट फिर से ये दोनों बच गए। उसके बाद 2008 में ये दोनों एक हॉलीडे के लिए इंडिया आए हुए थे और जब ये मुंबई में थे तब ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ और तब भी ये दोनों वहाँ मौजूद थे, बट इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी इन्होंने डेथ को फिर से बीट किया और बच गए। अब इन्हें आप लकी कपल कहेंगे या अनलकी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3 पर आते हैं माइकल जैक्सन, और इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपने दौर के एक बहुत बड़े सेंसेशन रहे हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का अटैक हुआ तब माइकल जैक्सन की एक मीटिंग थी वहाँ पर, बट खुशकिस्मती से वो मीटिंग अटेंड करने गए ही नहीं क्योंकि उससे एक रात पहले वो देर से सोए और सुबह देर से उठने की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए और उनकी जान बच गई। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नंबर 4 पर आते हैं जापान के रहने वाले सिटोमो यामजी, और इन्होंने 2 बार न्यूक्लियर अटैक से अपनी जान बचाई है। 1945 में जब सिटोमो हिरोशिमा गए थे और वहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से वो इंजर्ड हुए, बट जैसे तैसे वो अपनी वहाँ से जान बचाकर अपने घर नागासाकी पहुंचे अपनी फैमिली के पास, और 9 अगस्त को वहाँ पर सेकंड न्यूक्लियर अटैक हो गया, बट वो उस न्यूक्लियर अटैक से भी सर्वाइव कर गए। नंबर 5 पर आते हैं बिल मॉर्गन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और एक बार इनका कार एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक के साथ और इनकी सांसें रुक गई। ही वाज डेड फॉर मोर देन 14 मिनट्स। 14 मिनट्स तक सांसें रुकी रहने के बाद इनकी सांसें फिर से चलने लगी और 12 दिन तक ये कोमा में रहे, बट ये कोमा से बाहर आ गए और इन्हें एक नया जीवन दान मिला। उसके कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक लॉटरी कार्ड खरीदा और जब इन्होंने इस कार्ड को स्क्रैच किया और उनकी इस लॉटरी कार्ड में $27,000 की कार निकली, और जब अपनी ये इनक्रेडिबल स्टोरी वो एक लोकल न्यूज चैनल को सुना रहे थे और जब उस न्यूज चैनल ने उन्हें उनका विनिंग मूवमेंट फिर से री इनेक्ट करने को कहा एक और कार्ड स्क्रैच करके, तो उस लॉटरी कार्ड में भी उन्होंने $2,50,000 अमाउंट विन किया। सच में किस्मत हो तो इनके जैसी। नंबर 6 पर आते हैं फ्रैंक सेलेक, ये तो इतने लकी है कि ये 7 बार मरते मरते बचे हैं और इन्हें लकीस्ट मैन टू एवर लिव भी कहा जाता है। जनवरी 1962 में जब फ्रैंक सेलेक एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और अचानक से ट्रेन पे ट्रैक से उतरकर एक रिवर में जा गिरी। उस ट्रेन के साथ 17 और पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर रहे थे, बट उनमें से सिर्फ एक सेलेक ही थे जिनकी जान बच पाई। उसके एक साल बाद जब फ्रैंक एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, मल फंक्शनिंग होने की वजह से प्लेन का डोर खुल गया और वो प्लेन से नीचे गिर गए। किस्मत से वो एक घास के ढेर पर लैंड हो गए और उनकी जान बच गई, और उस प्लेन क्रैश में भी 19 लोगों की जान चली गई। 3 साल बाद इन 1966 में जब वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया और बस एक नदी में जाकर गिरी और उनके 7 के पैसेंजर्स की डेथ हो गई, बट सेलेक सेफली वहाँ से बच निकले और उन्हें सिर्फ कुछ खरोचे आई थी। उसके 2 साल बाद जब सेलेक अपने बेटे को गन चलाना सिखा रहे थे और गलती से गन का ट्रिगर दब गया और एक्सीडेंटली गोली उन्हें ही लग गई, उन्होंने अपने आप को ही शूट कर लिया। लकीली इस भाग में वो सर्वाइव कर गए। 1973 में उनकी कार में आग लग गई और फिर से उन्हें कुछ नहीं हुआ और उनकी जान बच गई। 1995 में सेलेक का एक बस एक्सीडेंट हुआ ज़ग्रेब में, बट उन्हें कुछ नहीं हुआ। और इतनी बड़ी डेथ से बचने के बाद इन 2003 जब उनका 73rd बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, फ्रैंक ने एक लॉटरी टिकट खरीदा जिसमें उन्होंने $1.1 million का अमाउंट जीता। इनकी किस्मत देखकर तो किस्मत को भी हैरानी हो जाए। नंबर 7 पर आती है ब्रिटेन की रहने वाली वायलेट जोसेफ, जिन्हें मिस अनसिंकेबल भी कहा जाता है, और इन्हें मिस अनसिंकेबल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि जिस भी शिप पर इन्होंने काम किया वो शिप डूब गई, लेकिन लकीली ये बच गई। सन 1911 में जब जोसेफ ने RMS ओलंपिक नाम की एक शिप पर काम करना शुरू किया, पर एक जर्नी के दौरान एक दिन वो शिप HMS होप नाम की एक दूसरी शिप से टकराकर डूब गई। इस शिप रैक में बहुत से लोगों की जान गई, बट लकीली जोसेफ की जान बच गई। और उसके बाद 1912 में जोसेफ टाइटैनिक शिप पे काम करना शुरू किया, और सभी जानते हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई थी, उस वक्त भी जोसेफ शिप पर ही थी, वो उस शिप रैक के बाद भी बच गई। इसके बाद 1916 में जोसेफ ने ब्रिटैनिक नाम की एक शिप पर काम करना शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली ये शिप भी एक खदान से टकराकर डूब जाती है, बट इस बार भी जोसेफ बच जाती है। 3 बड़े हादसों
में बचने की वजह से ही इन्हें मिस अनसंग के बल का खिताब दिया गया।